नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त लवजीत कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल में जिसका नाम है स्टडी कोच। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो है सीयू सेट के ऊपर। क्या होता है सीयू सेट उसके बारे में वीडियो में जान लेते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो शुरू करने से एक बार बताना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो उसको लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि इसी तरह से नोटिफिकेशन और वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहे सबसे पहले। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ मैं कि अगर आपको किसी भी तरह की पीपीटी या फिर पीडीएफ चाहिए हो तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर से हमें ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं सीयू सेट की। तो क्या होता है सीयू सेट उसके बारे में पता कर लेते हैं। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सीयू सेट को ऑर्गेनाइज किया। अब क्या होता है सीयू सेट और इसके अंदर में क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो अगर यहाँ पे जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 18 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि सारे की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरी इंडिया की, जिसमें एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा और उसी एंट्रेंस टेस्ट का नाम है सी यू सेट। फुल फॉर्म है यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब कौन कौन से प्रोग्राम के लिए ये एग्ज़ाम क्लियर करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर रिसर्च प्रोग्राम यानी कि जैसे एमफिल और पीएचडी हो गए, इन प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए अगर आपको इन यूनिवर्सिटीज़ में जाना है तो आपको सी यू सेट क्लियर करना ही होगा। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ उस नोटिफिकेशन के बारे में जो कि जारी किया गया है कि आप इसके लिए कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कितनी फ़ीस आपको इसके लिए पे करनी होगी, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, इसी बारे में सब कुछ यहाँ जानेंगे और आगे देखते हैं आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एडवर्टीज़मेंट है जो कि सी यू सेट के द्वारा, सी यू सेट की ऑर्गेनाइजेशन मेन वेबसाइट पे जो है ये आई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट डेट्स भी दिखा रखे हैं बट क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, तो इस वजह से मैंने आपको आखिर में लिख रखा है क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऑफिशियल साइट पे जाके भी आप इसके बारे में देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़, तो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले नंबर पे आती है असम यूनिवर्सिटी जो कि सिलचर में है, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी यानी GSBU। तीसरे नंबर पे है बेंगलुरु डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी यानी BASE। चौथे नंबर पे है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। पांचवे नंबर पर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। उसके बाद है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, खलीकोटे यूनिवर्सिटी बहरमपुर। ठीक है, और लास्ट जो है आपकी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस जोधपुर। ठीक है, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, टोटल मिला के 18 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें एडमिशन लेने के लिए आपको सी यू सेट को जो है क्रैक करना होगा। और यहाँ पे आपको बता दूँ कोर्स अवेलेबल, कोर्स कौन कौन से हैं। अंडर ग्रेजुएट में जो है BTech, BA, BCom, BSc, BBA, BCA, BEd, LLB, BA, LLB एंड इसके साथ ही काफ़ी सारी दूसरे बैचलर डिग्री भी हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट में देखा जाए तो MTech, MA, MCom, MSc, MBA, MCA, MEd, LLM एटसेट्रा, यानी कि और भी कई तरह की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही साथ PhD और MPhil कोर्सेज भी इसके द्वारा हम एंटर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। नोटिफिकेशन आ चुका है तो फटाफट से जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। थोड़ी सी वीडियो लेट हो गई है तो आपको जो है थोड़ा जल्दी से इसके लिए अप्लाई करना है अगर सी यू सेट के माध्यम से आप इसमें एडमिशन ले। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन डेट जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 16 मार्च 2020 को। ठीक है, लास्ट डेट है आपकी 11 अप्रैल 2020। उसके बाद एग्ज़ाम जो होगा आपका 30 से 31 के बीच में होगा जो कि मई में होगा 2020 में। ओके, एडमिट कार्ड जो मिल जाएगा आपको मई के बीच में, मई के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपको मिल जाएगा। रिजल्ट जो है आपका जून 2020 में आ जाएगा और उसके अगले सेशन के लिए आप रेडी हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपका एमफिल और पीएचडी है तो उसके साथ ही आपको इंटरव्यू भी होगा एक छोटा सा जिसको आपको क्रैक करना होगा सो दैट आप जो है पूरी तरह से एलिजिबल हो जाए। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 800 आपको पे करना होगा, एससी और एसटी के लिए 350, और जो फिजिकली हैंडीकैप है यानी दिव्यांग उनको कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। मेल और फीमेल के लिए कोई अलग अलग फीस कैटेगरी नहीं है, आपको जो कैटेगराइजेशन है वो आपको यहाँ पर बता दिया गया है। तो यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के द्वारा आप दे सकते हैं। ये वीडियो अगर पसंद आई है तो आप फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह से वीडियोस आपको और मिलती रहे। और अगर आप सी यू सेट को क्रैक करना चाहते हैं या फिर आप किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप इस सी यू सेट की तैयारी करना शुरू कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए अभी।
इस डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ऑफिशियल लिंक दे देता हूँ जहाँ से आप डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।